हेलो एवरीवन, सबको मेरा प्रणाम। मैं रेखा सिन्हा अपनी चैनल रेखा स्मॉल वर्ल्ड में फिर से आपका एक बार स्वागत करती हूँ। आज है फ्राइडे और मैं बना रही हूँ मुस्की के लिए नाश्ता, चाउमीन, वेज चाउमीन। उसके स्कूल में ना फ्राइडे को अलाउ रहता है फास्ट फूड, अदरवाइज़ वो और भी दिन जो है ना वो सारा मतलब कि फास्ट फूड अलाउड नहीं है। तो आज मैं उसके लिए चाउमीन बना दे रही हूँ। बहुत सारे वेजिटेबल्स वो नहीं खाता है, बस प्याज और शिमला मिर्ची रहता है, उसी के साथ मैं बना देती हूँ। और उसको ये घर वाला जो चाउमीन होता है ना बहुत अच्छा लगता है। तो पहले मैंने पूरा हॉट ऑयल में डाल दिया है, सबसे पहले डाला है मैंने लहसुन, फिर प्याज, फिर शिमला मिर्च, अदरक और हरी मिर्च, फिर डाल दिया तीनों तरह के सॉस और फिर मैंने डाल दी चाउमीन जो बॉयल कर लिया था मैंने पहले से ही, और फटाफट से डाल दिया। लास्ट में मैंने काली मिर्च पाउडर, नमक हल्का सा और बस थोड़ा सेजवान चटनी, रेडी हो गया उसका सुबह का नाश्ता। और ये नाश्ता सिर्फ मुस्की के लिए और ओजस के लिए था। फिर हस्बैंड तो ये सब खा के जाएंगे नहीं, क्योंकि उनको सारा दिन रहता है, दोपहर में वो कुछ लेते नहीं है बबलू जी। तो उनके लिए मैं फटाफट से बना रही हूँ सिंपल सी भिंडी और प्याज की भुजिया साथ साथ में मिक्स करके, और उनको बहुत पसंद है, मुझे भी अच्छा लगता है ये। और रोटी सिंपल, और थोड़ा सा मैं चाउमीन भी दे दूँगी, क्योंकि वो जो लालच रहता है ना वो सब चीज़ का, वो उनको भी रहता है, थोड़ा सा वो भी चख लेते हैं कैसा बना है। लेकिन मेन जो उनका डाइट में रहेगा यही रहेगा, भिंडी की सब्जी, सॉरी भिंडी की भुजिया और रोटी। उधर मैंने भिंडी को भिंडी के लिए कट करके चढ़ा दिया, भुजिया भी साथ साथ बना लूँगी और साथ में चार रोटी रोटी बनाऊँगी, क्योंकि फिर ओजस आएगा कोचिंग से, तो उसके लिए मैं अलग से फिर से रोटी बनाऊँगी। मैं रोटी सबको गर्म गर्म ही खिलाती हूँ, इस बात का मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन होता है। जब जॉब करती थी तो कुक रखती थी, वो सारा रोटी एक साथ बना करके डाल देती थी वो, और सुबह 7 बजे उसके बाद जो आ रहा वही खाओ। मुझे ना मतलब वो चीज़ बहुत खटकता था कि बस बच्चों को मैं गर्म खाना भी नहीं खा दे पाती हूँ, इतना सब कुछ पैसा 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 कमा रहे, हस्बैंड भी कमा रहे हैं, मैं भी कमा रही हूँ, वैसे कि कोई दिक्कत चीज़ का जो गर्म खाने का टेस्ट होता है ना वो फ्रिज में रखने के बाद वो बिल्कुल नहीं होता है। और ये एक बात मैं फिर से बात बता देती हूँ कि मैंने कभी भी ना फ्रिज में रखा हुआ खाना रेयरली खाती हूँ, बहुत ही रेयरली। मुझे तो पता नहीं उबकाई होती है फ्रिज का रखा हुआ खाना खाने से, मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ, ना किसी को मेरे घर में देती हूँ। एक ही सब्जी बनाए, एक ही रोटी बनाए, बट ताज़ा बनाती हूँ, ताज़ा खाती हूँ, कुछ भी फ्रिज में नहीं डालती हूँ। और ये रात का है, दोपहर में मैंने ना खाना स्किप कर दिया था, आज मेड नहीं आई है, तो मैंने मंगवा लिया था दोपहर में डोसा, और वो डोसा खा लिए। तो रात में हस्बैंड से पूछ लिए फ़ोन करके, बोले हाँ चावल खाएंगे, मन करता है, क्योंकि वो मतलब जितना ऑफिस जाते हैं करीब करीब 6 डेज जो वो चावल खाते नहीं हैं, तो बस चावल खाना है उनको, तो मैं वही बना दी हूँ, दाल चावल चोखा फ्राई करके और करेले का भुजिया। तो आज के डिनर में यही रहेगा, उसी की तैयारी में लग रही हूँ, साथ साथ में बर्तन भी धो रही हूँ, खाना भी बना रही हूँ। वो जस बना रहा है अपने लिए शाम के नाश्ते में भुजा, और पानी वगैरह वो भर रहा है, मैं घुसा रही हूँ, उनको सारा काम पड़ जाता है जब मेड नहीं आती, तब भी मतलब कोई हेल्प नहीं करता है, तो बेचारा हेल्प कर ले रहा है, पानी भर ले रहा है सब बॉटल में। और मैं इधर दाल चढ़ा दी हूँ, चावल भी चढ़ा दी हूँ, मुस्की को पढ़ा भी रही हूँ, बीच बीच में वो आके पूछ ले रहा है, मैं यहीं पर उसको बैठा दी हूँ खटिया के ऊपर, सामने में ही बैठो, और मैं ये माड़ पसा ले रही हूँ। मेरा चावल रेडी हो गया, दाल भी हो गया, बस दाल छौंकना है, चोखा फ्राई करना है, और उसी में चोखा फ्राई कर लूँगी, फिर उसी कढ़ाई में मैं फ्राई कर लूँगी करेला का भुजिया। तो बस चोखा फ्राई हो गया, अब करेला का भुजिया मैं डाल दे रही हूँ, सिंपल मैंने सरसों तेल में डाल दिया है, जीरा का फ़ोरन और कुछ भी नहीं डालूँगी, बस नमक और हल्दी, और करेले को फ्राई कर लूँगी। तो मैं करेला को ना ढक करके फ्राई नहीं करती हूँ, जहाँ तक मेरी मम्मी बताती थी ना कि करेला को ढक करके फ्राई करने से और भी कड़वा हो जाता है, कोई भी कड़वी चीज़ को ढक के फ्राई करिएगा। और यह है फोफी, इसको मैं बचपन में बहुत खाती थी, इसमें बहुत दिन के बाद 3-4 साल के बाद मैं लाई हूँ, हमारा खाना जो है डिनर रेडी हो गया, दाल चावल चोखा फोफी और करेला का भुजिया। तो आज का डिनर यही था हमारा, बस सब मिल करके खाएंगे, लेकिन मुस्की को भी मतलब मिक्स करके देना रहता है, घी दही सब डाल करके, तो उसको मैं मिक्स कर दे रही हूँ। और फिर अपने लिए सबसे लास्ट में, आपको पता है ये हर घर में ही होता है कि जो महिलाएं होती हैं वो सबसे लास्ट में खाती हैं, किसी को घट ना जाए, जो भी घटा बढ़ा रहता है किसी को, तो वो करके ही मैं खा लेती हूँ, किसी को कुछ चाहिए किसी को कुछ चाहिए, जो भी बचता है सारा कुछ ले लेती हूँ।
वैसे घटता नहीं है, बनाती हूँ सब कुछ हिसाब से कि तो किसी का घटता नहीं है, फिर भी एक बार देख लेती हूँ कि किसी को घट तो नहीं रहा है, फिर लास्ट में मैं बैठ जाती हूँ साथ में। खास करके चावल में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, किसी को दाल ये हो गया, किसी को भुजिया चाहिए, किसी को ये चाहिए, रोटी में वैसी प्रॉब्लम नहीं होती है, रोटी में तो लगभग मैं साथ ही में ले लेती हूँ, लेकिन चावल में रुक गई हूँ कि थोड़ा तुम लोग खा लो, फिर और कुछ चाहिए तो मैं दे दूँगी दोबारा, तब मैं बैठूँगी। भूख तो जोरों की मुझे भी लग गई है, लेकिन बस खिला लेते हैं तब खाएंगे। और आज रात का काम यहीं पे फिनिश हो जाएगा, सारा किचन वगैरह मैं साफ़ कर लूँगी साथ साथ में, और उसके बाद सैटरडे सुबह का आपका वीडियो रहेगा ये, तो मतलब ये दो दिन का वीडियो है। इसके पहले सावन महोत्सव का मैं वीडियो डाली थी, अगर वो आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके आप देख लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत इंटरटेनिंग है। ये मुस्की का मैं मिक्स कर दे रही हूँ, चावल दाल चोखा दही अचार सब मिक्स करके खाता और सब लोग। और ये सुबह का है, मैं नहा करके आ गई हूँ। आज ना सुबह मतलब सैटरडे है तो सबकी छुट्टी आज मुहर्रम की, किसी का मुहर्रम में सबका मतलब कि मैं बधाई देना चाहूँगी, जो भी मुहर्रम मनाते हैं उनको बहुत बहुत बधाई। और उसके बाद ये सुबह सुबह का है, सुबह का नाश्ता मैंने सबका अलग अलग डिमांड है, मैं सुबह में बना रही हूँ अपने लिए स्प्राउट चना है, उसका मैं चाट जैसा बनाऊँगी हल्का फ्राई करके। मुस्की को वो नहीं खाना है, वो जिसको पनीर पकौड़ा खाना है, हस्बैंड को कॉर्न चाट खाना है, और फिर पनीर पकौड़ा भी खाना है, मुस्की को हलवा खाना है, मतलब हर आदमी का अलग अलग डिमांड। लेकिन मुझे इसमें एक फ़ायदा हो गया ना, मेरी जितनी सारी बची हुई चीज़ें थी ना, मैंने सबका यूज़ कर लिया, क्योंकि आज सैटरडे है, सैटरडे को मैं सब्जी लाने जाती हूँ, तो जितनी बची हुई सब्जी थी ना मैंने सबको इस्तेमाल किया है। आज वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, इस तरह सब्जियाँ जो है ना वो बर्बाद नहीं होती हैं, थोड़ा सा मेहनत लगता है कि वैरायटी ज़्यादा बनानी पड़ती है, लेकिन आप उसमें भी दिमाग से बनाएंगे ना तो वो भी मेहनत थोड़ा लगेगा, लेकिन सब सामान जो है आपका सही से ख़त्म हो जाएगा और सब खा भी लेंगे और आपकी तारीफ भी हो जाएगी, सब हो जाता है एक साथ। तो वही मैं सुबह सुबह लगी हूँ अपने लिए अभी चना को, जो स्प्राउट चना है ना उसको मैं हल्का सा तेल में, सरसों तेल में फ्राई कर ले रही हूँ, और उसके बाद उसमें मैं डाल दूँगी प्याज और हरी मिर्च और धनिया पत्ता, और उसमें थोड़ा सा काला नमक और नींबू, बस हो गया मेरा चाट तैयार। बहुत टेस्टी लगता है मुझे ये, और मेरे हस्बैंड हम लोग दोनों थोड़ा थोड़ा खा लिए, उसके बाद बोले कि थोड़ी सी अभी चाय बना दीजिए, फिर नेक्स्ट आइटम चलेगा। आज सैटरडे छुट्टी सबकी, सबका स्कूल बंद है, तो फिर आज सबका अलग अलग वैरायटी चल रहा है डिमांड, और मैं बना रही हूँ। अच्छा लगता है ये फैमिली टाइम ना, बहुत अच्छा लगता है, सब लोग एक साथ बैठ के गप कर रहे हैं, मैंने जितना हो सकता है सब अपना गप भी चल रहा है, मोबाइल भी चल रहा है, टीवी भी चल रहा है, साथ में सब कुछ चल रहा है, और मैं तो किचन से ही कुछ कुछ बोलती रहती हूँ साथ साथ में। और बस तैयारी कर ली मैं पनीर पकौड़ा का, चाय मेरी चढ़ी हुई है, साथ में पनीर पकौड़ा भी तैयारी कर ले रही हूँ, बेसन वगैरह का ये देखिए अदरक घिस के डाल दे रही हूँ मैं पनीर पकौड़ा में, ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ, बेसन लाल मिर्च नमक अदरक और थोड़ा तो मैं डालती नहीं हूँ, और काली मिर्च बस। तो बस चाय पीने के साथ साथ मैं पनीर पकौड़ा भी बना लूँगी, क्योंकि ओजस का ये डिमांड है कि मुझे पनीर पकौड़ा खाना है, तो साथ साथ में एक एक हम लोग ले लेते हैं, लेकिन मैं आज सोची थी कि ऑयली चीज़ नहीं खाऊँगी, तो बस एक टुकड़ा मैं पनीर पकौड़ा कर ली। लेकिन हस्बैंड जो हैं वो सब कुछ बराबर बराबर से बोले थे हमको ये बना दे, लेकिन वो जितना आइटम बना रहे हैं ना सब में कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ वो खाते जा रहे हैं, पूरा आज खाने पे लगे हुए हैं, और वो जस्ट बार बार आके देख रहा है कि पनीर पकौड़ा बना कि नहीं बना। तो बस अब ये रेडी हो गया, देख लीजिए, और मुस्की के लिए दूध दे दे रही हूँ, क्योंकि हम लोग चाय पी रहे हैं, तो उस दोनों बच्चों को मैं साथ में दूध भी दे दे रही हूँ। और इधर मैं बना रही हूँ फिर से हलवा, क्योंकि मुझको बोला मामा मेरा पेट नहीं भरा तो मुझे हलवा बना दो सूजी का, तो मैं सूजी का हलवा बना रही हूँ। तो बता दूँ इसके पहले ना मैंने स्टील वाले कढ़ाई में सूजी का हलवा बनाया, थोड़ा सा मेरे को गप में लगे, सारा हलवा जल करके खाक हो गया, तो वो फेंकी, फिर दूसरी कढ़ाई में मैंने हलवा बनाया, तो ये अच्छा बना। अब ये तीसरी आलू बैंगन और मूली की सब्ज़ी मेरे हस्बैंड का फेवरेट, और सिर्फ वही खाते हैं और हम खाते हैं, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है लेकिन खा लेते हैं। तो बस अब मैं जा रही हूँ आलू बैंगन मूली टमाटर धनिया पत्ता सब मिक्स करके सब्ज़ी बनाने। सबसे पहले मैंने डाल दिया उसे पंचफोरन, और फिर सबसे पहले फ्राई कर लूँगी मूली, और मूली जैसे ही थोड़ा सा फ्राई होगा एक मिनट के लिए तो हल्का सा गोल्डन, तब मैं डाल दूँगी इसमें आलू और बैंगन जो मैंने पहले से काट करके और धो करके रखे हैं उसको मैं डाल दूँगी, और उसके बाद जो है ना
आलू बैंगन डालने के बाद उसको अच्छे से मतलब कि करीब 7 से 8 मिनट ढक करके फ्राई करेंगे ताकि सारा जो आलू और बैंगन जो है ना वो हल्का लूज हो जाए, उसका थोड़ा सा पानी निकल जाए। तो उधर मैं बैंगन के साथ साथ में फ्राई कर रही हूँ, इधर मैं तैयारी कर रही हूँ कुरकुरी भिंडी की। तो भिंडी को इस तरह से काट लेना जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। और फ्रेंड्स एक बार मैं रिपीट भी करना चाहूँगी, अगर मेरा वीडियो अभी तक आप देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के बीच में। नए व्यूअर्स हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पुराने व्यूअर्स हैं तो कमेंट्स करिएगा कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है। तो इस तरह से भिंडी को काट लेने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा बेसन और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नमक को मैंने लास्ट में डाला है, ये पानी छोड़ सकता है। तो मैंने डाला बेसन, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, फिर मैंने डाल दिया जीरा पाउडर, फिर डाला है इसमें हल्दी पाउडर, फिर डाला है इसमें चावल का थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा मैंने डाल दिया इसमें अमचूर पाउडर और लास्ट में नमक। और इसको अच्छे से मिक्स करके लास्ट में नमक डाल करके अच्छे से मिक्स करके उसको रख देना है ताकि वो पानी छोड़ दे 5 से 10 मिनट। और बस 5-10 मिनट के बाद इसको मैं तल लूँगी और उसके बाद खाऊँगी। बहुत टेस्टी लगता है, मतलब भिंडी की सब्ज़ी और भिंडी की भुजिया भी तो हम लोग खाते रहते हैं, पर इस तरह से भी एक दो बार बना लेने से अच्छा लगता है खाने में, थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाता है। हाँ, लेकिन ये उतना ज़्यादा ये मतलब पौष्टिक नहीं होगा जितना नॉर्मल, क्योंकि सारी जो इसमें बीज वगैरह सब निकाल दिए हैं तो ये उतना तो हेल्दी नहीं रहता है। इसके बाद देखिए फ्राई हो गया है बैंगन और अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ नमक और हल्दी और फिर 2-3 मिनट तक फ्राई करूँगी। और उसके बाद इसे मसाला कुछ डालना भी नहीं रहता, इसे मसाले मैं डालती हूँ सिर्फ कट करके अदरक और मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर नहीं डालती हूँ इसमें, मैंने जीरा पाउडर डालना है और काली मिर्च का पाउडर और बस टमाटर थोड़ा ज़्यादा डाल दीजिएगा, मैंने 2 टमाटर यूज़ किया है इसमें। और उसको अच्छे से टमाटर जब तक नहीं गले तब तक उसको फ्राई करते रहना, जैसे टमाटर गल जाए आप अपने हिसाब से जिस तरह से सब्ज़ी रखना चाहते हैं जितना गाढ़ा पतला उस हिसाब से इसको पानी डाल सकते हैं। इसको हम लोग कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि झोर भात, बैंगन का झोर भात हम लोग बनाते हैं तो पानी ज़्यादा डालते हैं, अभी हम लोग सिंपल से सब्ज़ी दाल चावल सब्ज़ी के साथ है तो पानी थोड़ा मैं कम डाल रही हूँ। बस इसको 5-10 मिनट तक ढक करके रखने दीजिए, हमारी सब्ज़ी जो है बिल्कुल रेडी हो जाएगी। लास्ट में बस धनिया पत्ता डाल दीजिए और सब्ज़ी का आनंद लीजिए। एक बार जरूर बनाइएगा मेरे कहने पे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आई एम डैम श्योर। तो बस हमारा आज का जो मतलब लंच है वो रेडी हो गया है। तो देखिए आज के लंच में क्या क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने ले लिया गर्मा गर्म चावल, चावल तो बस लंच में मेरा यहाँ बहुत ज़रूरी है, इनके बगैर बच्चों को भी मन लगता है मेरा भी नहीं। उसके बाद मैंने अरहर और मसूर की दाल जिसे मैंने जीरा से छौंक लगा दिया, जीरा और लाल मिर्च से, कुरकुरी भिंडी है और आलू बैंगन की सब्जी है साथ में और है चोखा। तो बस अब मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ, एक बार फिर से बोल रही हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वंस अगेन।